नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम मोगरा की कटिंग किस तरह से लगाएंगे कि हमारी मोगरा सक्सेस हो जाए। हमको एक एलोवेरा जेल लेना है और ये देखिए मोगरा की कटिंग मैं लाया हूँ। मैं कहीं गया था घूमने, वहाँ से लेकर आया हूँ। यह मोगरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा फूल देता है और खुशबू तो बहुत बेइंतहा है। तो सबसे पहले हमें इसकी पत्तियों को कटिंग कर लेना है आधी आधी। वो इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आधी पत्ती क्यों काट रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा ज़ाइलम की वजह से पेड़ पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसकी वजह से पौधे अपना खाना पानी बनाते हैं सूरज की रोशनी से। तो अगर पूरी पत्ती हम काट देंगे तो स्टेम को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी रूट निकलने के लिए, तो जिसकी वजह से हम आधी पत्तियां काटेंगे। अगर पूरी पत्तियां काट देंगे तो नुकसान है, और पत्तियां पूरी रहेंगी तो जो स्टेम में जो अंश है वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इसमें रूट हल्की हल्की निकल रही है, तो ये लगाने में बहुत ही सहायक रहेगा, प्लांट बनने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इसके सभी स्टेम की पत्तियां आधी आधी मैं काट ले रहा हूं, और इन पत्तियों के भी हम कंपोस्ट बना देंगे, आगे चल के खाद में काम आएगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, इस प्लीज़ स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। इस तरह से हम जब हम काट लेंगे कटिंग के धीरे धीरे सभी पत्तियां, और हमको जो है बनाना है, ये देखिए मैं इसमें बेगम बेलिया के कुछ कटिंग लगाया था, कुछ लगी कुछ नहीं लगी है, तो मैं अपने इसी जो बॉक्स है इसमें मैं कटिंग लगाता हूँ, बहुत सेफ्ट रहती है। इसमें सेंड ज़्यादा है, यानी कि 60% सेंड है और 30% खाद है और 10% मिट्टी है। इस तरह से आप लगाइए प्लांट, कटिंग आराम से ग्रो होती है। तो सबसे पहले हम जो है इस मिट्टी को धीरे से गोड़ लेंगे संभाल कर, और जिससे हमारी जो है मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाए और फिर आप उसमें लगा सकें आराम से। इसको गोड़ने के बाद आपको इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा। पानी डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें एयर बबल्स नहीं बन पाएंगे। अगर आप सूखी मिट्टी में लगा देते हैं कलम को यानी स्टेम को कटिंग, तो एयर बबल बन सकता है। अगर आप पानी डाल देंगे गोड़ाई के बाद तो मिट्टी धीरे से नीचे बैठ जाएगी और आपके कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एयर बबल्स नहीं बनेंगे, जिससे रूट निकलने में आसानी रहेगी। मिट्टी सॉयल सेंड सब स्टेम के टच में रहेंगे। तो ये टेक्निक आप लोग अपनाइए। तो इसको पहले धीरे से आप पूरी मिट्टी को आप ज़रूर गोड़ लें, अगर आप जो है पुराने में लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको पानी डाल लेना है। पानी डालने से काफ़ी फ़ायदे हैं, मिट्टी की हीटिंग निकल जाएगी और दूसरी बात एयर बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आप पानी डाल के 5 मिनट रख दीजिए, और इसके बाद फिर आप जो है अपनी स्टेम निकालिए जो आप स्टेम लगाना चाह रहे हैं। ये देखिए मिट्टी में पानी एकदम बैठ गया है, कोई टेंशन नहीं है, और इसको धीरे से जो है चाकू द्वारा या खुरपी द्वारा जिससे आप मिट्टी को गोड़े हैं उससे बराबर कर दीजिए मिट्टी को, कम ज़्यादा ना रहे। और फिर हम धीरे से स्टेम को उठाएंगे और इसके बाद आप जो है कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों रूटिंग हार्मोन्स आप ना खरीदे तो बेटर है, क्योंकि मैं एलोवेरा के जेल को लगाता हूं और मेरा 110% सक्सेस होती है कलम, यानी कि 10 में से
7-8 कलम तो मेरी लग ही जाती है। ये देखिए रूट इसमें निकली हुई, आप सीधा उल्टा देखकर कटिंग को कलम की तरह छीलिए 45 डिग्री पे, और उसके बाद फिर आपको उसमें लगा देना है। इसमें मैंने जेल लगा के पहले से रखा हुआ था, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जेल लगाया नहीं, और आपको मैं बता रहा हूँ कि जेल लगाइए एलोवेरा का। एलोवेरा का जेल लगा के 2 मिनट पहले रख दीजिए, जिससे उसमें सीज जाए पूरी तरह से। और इसकी जो है पत्तियाँ निकाल लीजिए आप, जो कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, इनकी कंपोस्ट बनती है जो सूखी पत्तियों की। और ये रूट, इसमें नॉट पे रूट निकली हुई है, ये बहुत जल्दी डेवलप होगी ये कलम, और 10-12 कलम मैं इसमें लगा रहा हूँ कम से कम। 3-4 तो मैं रखूँगा, बाकी अपने फ्रेंड में बांट दूँगा। प्लांट जब आप खुद से बनाते हैं तो इतनी दिली खुशी होती है, नहीं तो मार्केट से आप, नर्सरी से आप खरीद भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए एलोवेरा का जेल मैंने लगाया इसमें, और इसको जो है सीधा उल्टा देखकर इसमें धीरे से लगा देना है पुश करके। कलम हमेशा तिरछी लगाइए, सीधी कभी मत लगाइए आप। तिरछा लगाने से यह फ़ायदा होता है कि स्टेम ज़्यादा मिट्टी में चली जाती है, और आपके कलम की सक्सेस होने की गारंटी रहती है 110%। पत्तियाँ पूरी निकाल दीजिए, क्योंकि पत्तियों से नुकसान भी है, और उस नुकसान से आधे बचने के लिए आपको आधी पत्तियाँ निकालनी है, पूरी कभी भी मत निकालिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नवंबर का महीना है, भाई साहब कटिंग लगा रहे हैं हमारे, तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, कुछ कटिंग ऐसी है जो आप साल के 12 महीना आप लगा सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगले कंटेंट, उसमें बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से प्लांट है जो साल के 12 महीने आप कलम लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, और 100% आपकी जो सक्सेस होगी कलम। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो बना कर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हमारे जो बिगनर भाई हैं, जो नए नए अभी गार्डनिंग शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, तो उनको जो है मदद मिल जाए। जब आप गार्डनिंग शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है डर सा लगता है, मगर आप जब करने लगेंगे धीरे धीरे तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये वही टेक्निक है दोस्तों, जब आप करने लगेंगे तो आपके जो दिल से डर निकल जाएगा, और आप भी हर प्लांट की कटिंग बना सकते हैं, लगा सकते हैं और प्रोपोगेशन कर सकते हैं। ये एलोवेरा जेल लगाइए आप, ये बहुत सक्सेस होता है, और कटिंग को आप हमेशा तिरछा छील लीजिए कलम की तरह 45 डिग्री पे, जिससे आपकी जो है कलम सक्सेस रहे और प्लांट बन जाए। ये देखिए रूट पे भी मैं लगा दे रहा हूँ, ये रूट की पूरी गुच्छा पहले से ही नॉट पे निकली हुई है, ये बहुत तेज़ डेवलप होगी। आपको मैं जो है, हो सकता है 1-2 हफ्ते में फिर इसकी जो है अपडेट बनाऊं वीडियो की, तो मैं आपको दिखा दूं। 1 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे इसकी रूट डेवलप होने में। आप सीधा उल्टा देखकर हमेशा ध्यान दें और तभी लगाएं, उल्टा मत लगा दीजिएगा नहीं सूख जाएगी स्टेम। हमेशा पत्तियों का सीधा उल्टा देख लिया करिए, और जब भी कलम लगाइए आप तो जो स्टेम सफ़ेद हो चली हो उसको लगाइए, हरी स्टेम कभी मत लगाइए, किसी भी प्लांट की नहीं लगती है। कुछ प्लांट की हरी स्टेम लगती है, सफ़ेद नहीं लगती है, तो मैं जब आगे वीडियो बनाऊंगा अपने अगले कंटेंट में तो मैं आपको जो है बता दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये देखिए सीधा उल्टा हमेशा देखिए, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी कलम नहीं लगेगी, क्योंकि अगर पत्तियों को आप देखेंगे तो कोई कोई स्टेम लंबी हो जाती है प्लांट में, तो घूम जाती है तो पत्तियां उल्टा डेवलप हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमें सीधा उल्टा समझ नहीं आता। मगर आप जो है नॉट और रूट प्लस पत्तियों के क्रम को देखते हुए आप पहचानेंगे। दोस्तों
वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विज़िट करें हमारे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस प्लांट की नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए उसके बारे में, मैं आपको जो है उसकी वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। इस तरह से आप पूरी कलम लगा लीजिए। एलोवेरा को मैं समझता हूँ कि ये संजीवनी बूटी है प्लांट के लिए, हर चीज़ में यूज़ करिए, बहुत बढ़िया होता है ये एलोवेरा। मैं इसका हमेशा यूज़ करता हूँ और प्लांट सक्सेस होते हैं। ये देखिए पत्तियाँ मैंने निकाल ली इसकी सारी, और इसको एलोवेरा जेल लगा के और इसके अंदर मैं कलम लगा दे रहा हूँ। कलम लगाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, हल्का सा, नाम मात्र को 10-12%। उसके बाद आप सेमी शेड एरिया में इसको आप उठा के रख दीजिए। दोस्तों कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आप अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।